तो मैंने सोचा ऐसा क्या बनाऊं, क्योंकि शाम को मुझे सिर्फ सब्जी ही बनानी थी, तो सिर्फ सब्जी ही बनानी थी, तो मैंने सोचा कुछ ऐसा बनाऊंगी जो यहाँ पे किसी ने ना खाया हो। तो सच में फ्रेंड्स, ये सब्जी यहाँ पे किसी ने नहीं हेलो खाई। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आप सभी का स्वागत है हमारे शर्मा ऑफिशियल चैनल पे। और अगर आप सब हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वही भाजी बना के हम बोर भी हो जाते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है कि कोई भाजी भी नहीं रहती है, तो हम सोचते हैं क्या बनाएं। तो फ्रेंड्स, अगर आपका भी यही प्रॉब्लम है तो ये रेसिपी आप जरूर देखिए, पूरे वीडियो में आप बने रहें फ्रेंड्स। तो आज हम आप सभी के साथ चने की दाल की ऐसी रेसिपी शेयर करने वाले हैं, जिसे आप चाहे जब बना सकते हैं, जब भी आपका मन करे तो इसे आप बना के घर वालों को खिला सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी बनाना। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी लगभग चने का दाल लिया है, आप चाहें तो मटर का दाल भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसे हम रात भर के लिए भिगो देंगे, आप चाहें तो गर्म पानी में 1-2 घंटे के लिए भी इसे भिगा देंगे तो बहुत ही आराम से भीग जाएगा। तो हमने इसे गर्म पानी में भिगाया था, रात भर के लिए नहीं छोड़ा था। तो देखिए ये अच्छे से भीग चुका है, अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको शाम को बनाना है भाजी तो आप 2-3 घंटा पहले इसे गर्म पानी में भिगा देंगे तो बहुत ही इजीली ये भीग जाएगा, और शाम को बहुत आराम से इसका भाजी बना सकते हैं। तो फ्रेंड, चने की दाल की अब तक आपने पूड़ी खाई है, तो अब सब्जी भी बना के खाइए। यहाँ पे हमने चने की दाल को भिगा लिया है, अब यहाँ पे हमने लौकी लिया है, इसको हमने काट लिया है। लौकी का आधा से आधा भाग हमने यहाँ पे लिया है, तो देखिए इसका आधा ये रहना चाहिए, नहीं तो दोनों बराबर भी आप कर सकते हैं, नहीं तो दाल से इसे थोड़ा कम आप रख सकते हैं। और फ्रेंड, यहाँ पे हमने मीडियम साइज की एक प्याज काट लिए है, जो बारीक काट लिए है तड़का के लिए। तो अब हम मसाले ले लेंगे, यहाँ पे हमने लहसुन लिया है, यहाँ पे हमने खड़े जीरे लिए हैं, और यहाँ पे खड़ी धनिया लिया है, और यहाँ पे हमने 2 लौंग लिया है, और थोड़े से काली मिर्च लिया है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो अगर आपको लौंग और पसंद है इसका टेस्ट, तो आप थोड़ा और डाल सकते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा डालें तो उसका टेस्ट थोड़ा अलग हो जाता है, इसके लिए हमने यहाँ पे मसाले में कमी ऐड किए हैं। और यहाँ पे हमने 4 हरी मिर्च ले ली है, आप अपने हिसाब से तीखा कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसका जो डंठल है मैं तोड़ लूँगी। तो यहाँ पे आप लाल मिर्च भी ले सकते हैं, यहाँ पे हमने हरी मिर्च लिया है। तो चलिए अब इन्हें हम मिक्सर में पीस लेते हैं अच्छे से। फ्रेंड्स, पूरे वीडियो में बने रहें, ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। आप इसे दाल चावल या मतलब रोटी चावल के साथ आप खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है ये सब्जी। अब यहाँ पे हम हरी धनिया ले लेंगे, यहाँ पे हमने हरी धनिया थोड़ा ज़्यादा ही लिया है, हरी धनिया का टेस्ट मसाले में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, तो आप हो सके तो हरी धनिया थोड़ा ज़्यादा ही डालिए। तो यहाँ पे हमने अच्छे से मसाले पीस लिए हैं, तो चलिए अब छौंका लगाते हैं। तो तेल गरम हो चुका है, तो यहाँ पे हम जीरा डाल देंगे सबसे पहले। तो अब हम डाल देंगे थोड़ा सा हींग, अब हम डाल देंगे बारीक कटी प्याज। तो इन्हें हम अच्छे से चला लेंगे, और थोड़ा सा हल्का सा इसे सुनहरा भुनेंगे प्याज को, ज़्यादा हमें लाल नहीं करना है प्याज को। प्याज हमारे भुन चुके हैं, अब हम डाल देंगे मसाले। अब हम अच्छे से इन्हें चला लेंगे, और इस मसाले को हमें बहुत ही अच्छे से भूनना है, ताकि एक अच्छी सी खुशबू आने लगे, तब तक हमें इसे भूनना है और स्लो आंच पे भूनना है। तो इस तरह से हम अच्छे से मिक्स करके चला लेंगे इसे। तो अब हम इसे थोड़े टाइम के लिए ढक के पकाएंगे, बीच बीच में हम मसाले को चेक करते रहेंगे ताकि नीचे पकड़े ना। साथ में हम बारीक कटी टमाटर को भी डाल देंगे, एक टमाटर हमने यहाँ पे लिया है, तो इन्हें भी अच्छे से हम चला लेंगे
और टमाटर को अच्छे से हम गला लेंगे मसालों में। इन्हें हम ढक के पकाएंगे। तो यहाँ पे कितने अच्छे से हमारे मसाले भून चुके हैं। तो इसी तरह से हमें मसाले भून लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी पानी ना रहे और अच्छे से पानी हमारे सूख गए हैं इसमें से। अब इसमें हम डाल देंगे हल्दी पाउडर और थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे। अगर आपको पसंद है तो आप डालिए, नहीं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और आधा छोटा चम्मच रेड चिल्ली पाउडर डाल दिया है। अभी नहीं अच्छे से हम भून लेंगे मसालों को। तो मसाले अच्छे से भून चुके हैं, अब इसमें हम डाल देंगे लौकी। फ्रेंड्स बहुत ही टेस्टी बनती है ये सब्जी, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अभी इन्हें हम अच्छे से मसालों में मिक्स करेंगे। एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है, बहुत ही यम्मी लगती है। आप इसे एक बार बनाएंगे तो आपको हफ्ते में 2-3 बार यही सब्जी अच्छी लगेगी। अब हम डाल देंगे दाल जो हमने भिगाए थे, चने के दाल हैं। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन्हें अच्छे से चला के हम मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छे से हमें मसालों को भूनना है, तभी हमारी सब्जी अच्छे से बनके तैयार होती है। जितने अच्छे से आप मसालों को भूनेंगे उतनी ही टेस्टी आपकी सब्जी बनती है। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, इन्हें थोड़ा हमने भून भी लिया है। अब इसमें हम पानी डाल देंगे। तो एक गिलास हमने पानी डाल दिया है। तो अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स जो खाए होंगे वो ये सब्जी ज़रूर बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। जो खाए होंगे वो कमेंट में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। अब इसमें हम डाल देंगे नमक, आप अपने स्वाद के अनुसार ही डालें नमक। अब इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हम ढक के पकाएंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली हमारी चटपटी सी लौकी और चने की दाल की सब्जी एकदम बन के रेडी है। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है। फ्रेंड्स इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो हमने इसमें बारीक कटी धनिया भी डाल दिया था, तो काफ़ी टाइम हो गया था इसके लिए। मैं एक प्लेट में निकाल के जा रही हूँ सबको देने खाने के लिए। तो फ्रेंड्स ये चटपटी सी सब्जी आपको कैसी लगी? घर में जब कुछ भी बनाने के लिए ना हो ना फ्रेंड्स, तो इस तरह से आप इसे ज़रूर बनाएं, क्योंकि इतनी चटपटी इतनी स्वादिष्ट बन के तैयार होती है कि घर में सब आपकी तारीफ करेंगे। अगर इस तरह से आपने बना के उनको खिला दिया तो वो लोग यही कहेंगे कि वही वाली सब्जी बनाइए जो उस दिन आपने बना के खिलाया था। तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है ये, टेस्टी लगता है सब्जी। आप इसे रोटी चावल के साथ खाएंगे, बहुत ही ज़्यादा चटपटी लगती है। और अगर आपके घर कोई मेहमान आया हो तो भी इसे आप बना के दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स किस किस के घर पे ये सब्जी बनी है कमेंट में ज़रूर बताएं, और एक बार इसे ज़रूर बनाएं मेरे कहने पे। और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, फिर मिलते हैं आसान रेसिपी के साथ।